नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाला सत्ताधारी गठबंधन लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सामने अपना कुनबा बचाने की चुनौती भी दिखाई पड़ रही है। सुभाषपा के बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने को लेकर आई खबरों ने सूबे की सियासत का पारा चढ़ा दिया था। अब ओमप्रकाश राजभर ने खुद अपनी पार्टी सुभाषपा के बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने को लेकर खबरों को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। राजभर ने कहा है कि हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आज तक की खबर के मुताबिक बीजेपी गठबंधन के साथ जाने की चर्चाओं को ओमप्रकाश राजभर ने खारिज कर दिया है। राजभर ने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और एक एक विधानसभा के चुनाव परिणाम की समीक्षा भी की जा रही है। हम अब 2024 की तैयारी में हैं। मीडिया से बात करते हुए राजभर ने कहा है कि उनकी शाह के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। राजभर ने कहा, ना चर्चा है ना मुलाकात है, सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली है। इसके साथ ही ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि यह केवल अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जहां हैं वहीं हैं। मुलाकात की तस्वीरों पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि हमारी तो बहुत सी तस्वीरें अमित शाह के साथ हैं, 50 फोटो मीडिया के पास होंगी, कहीं भी लगाकर वो फिट कर देते हैं। वहीं राजभर के बीजेपी में शामिल होने की खबरों की वजह से समाजवादी पार्टी के खेमे में भी हलचल मच गई थी। अब ओमप्रकाश राजभर ने खुद सामने आकर बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। ओमप्रकाश राजभर की ओर से ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी के बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जाने की खबरें आ रही थी। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें आई थी कि ओमप्रकाश राजभर ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल से मुलाकात की। राजभर को ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें योगी सरकार 2.0 में मंत्री भी बनाया जा सकता है। ओमप्रकाश राजभर ने कहा था कि बीजेपी ने 5 साल तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग नहीं मानी, पहले वो ये रिपोर्ट लागू करें। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी का जिक्र किया और कहा कि लीडर कोई भी होगा। राजभर ने कहा कि हम सब एक साथ होंगे, सभी साथ बैठकर उस मोर्चे का नेता तय करेंगे और उसके नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।